हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर डिफेंस एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये एक है आपका इम्पोर्टेंट पॉलिटी एमसीक्यू, जो कि आपके आने वाले जो आपका सीडीएस का एग्जाम है उसमें कुछ क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं इसकी। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप अपने सामने देख रहे हो, यू विल सी द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। रीड आउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन को पहले पढ़ोगे आप लोग। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बेयरिंग ऑन एजुकेशन, यानी कि इनमें से वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें कहीं ना कहीं एजुकेशन को कवर अप करने की बात बोली गई है, चाहे वो कैसी बोली गई हो, बात डायरेक्ट बोली गई हो यानी कि डायरेक्ट आर्टिकल में लिखी हो, या चाहे वो इनडायरेक्टली बोला गया हो कि भाई एजुकेशन को हम लोग क्या करेंगे, कवर अप करें। तो चार ऑप्शन, पांच ऑप्शंस आपके सामने हैं और पांच के आंसर नीचे आपको देख रहे हैं। टेक योर टाइम, टेक कंप्लीटली 1 मिनट एंड देन डिसाइड कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चलो बच्चों, आई थिंक आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा इसका आंसर। तो देखो, अगर हम आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर है वो है आपका सी, 1, 2 और 5, यानी कि 1, 2 और 5 में जो है वो एजुकेशन को बियरिंग किया गया है। डीपीएसपी की बात करें तो उसमें एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एजुकेशन। उसी तरीके से जो रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, ये लोग क्या स्टैब्लिश करती हैं, प्राइमरी स्कूल्स जो होती हैं वो स्टैब्लिश इनके पास होता है। और 7th शेड्यूल जो है जिसमें आपका क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशन है, उसमें भी आपके एजुकेशन की बात बोली गई है। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में सीधे सीधे जो ट्राइबल एरियाज है उनको एडमिनिस्ट्रेट करने की बात बोली। इस हिसाब से जो आंसर बना बच्चों वो सी बना। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सैड टू बी एसेंशियली द पार्ट्स ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस। ठीक है, इंक्लूसिव गवर्नेंस, ये टर्म शायद आप लोगों ने बहुत कम सुना हो, बट उसको लेकर है कि इनमें से इंक्लूसिव गवर्नेंस क्या चीज है। ऑप्शंस जो है वो आपके सामने हैं, इसमें से आंसर बनाने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। ठीक है बच्चों, इसका जो आंसर बचा बनेगा, जो इसका आंसर वो बनेगा आपका सी। देखो, स्टैब्लिशिंग इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है वो आपका इंक्लूसिव गवर्नेंस के अंडर में आता है। पब्लिक हेल्थ पे स्पेंडिंग करना, यानी कि आपके क्या बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, क्लिनिक्स बनाना, वो आपका गवर्नेंस में आता है। और मिड डे मील स्कीम्स भी आपका किसमें, गवर्नेंस में आता है। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का बिल्कुल भी गवर्नेंस रिलेटेड नहीं है, वो फाइनेंशियल सेक्टर आपका अलग है। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों जो आंसर बना वो आपका 2, 3, 4 बनेगा। आप में से जो जनरल नॉलेज कोर्स करना चाहते हैं सीडीएस का, तो हमारे यहाँ 2 मोड है बच्चों। पहला मोड जो है वो है लाइव ऑनलाइन कोर्स है आपका, जिसमें मैं जूम के थ्रू क्लासेज लेता हूँ। और दूसरा जो है वो आप रिकॉर्डेड कोर्स परचेज कर सकते हैं जनरल नॉलेज का। इसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आप पहला स्टेटमेंट देखो तो क्या लिखा है, यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा। दूसरा है, इट इज विद इन द
प्रिव्यू ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एजुकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट्स, यानी कि सीईसी के पास ये राइट्स होते हैं कि कोई भी अगर इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं तो वो उसमें डिसीजन सुना सकते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट जो है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट लोकसभा एंड राज्यसभा ऑनली। तो आंसर देखो क्या है, विद इन 30 सेकेंड डिसाइड करो आंसर क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है इसके आंसर बन सकता है। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका क्या, डी। कैसे? राज, इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो पूरे तरीके से गलत है, नॉट रिप्रेजेंटेड लिखा हुआ है, जबकि दिल्ली का और आपका पुडुचेरी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो राज्यसभा में होता है। इट इज द प्रीव्यू ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एजुकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट्स, असल में वो किसके पास होता है, आपके कोर्ट्स के पास होता है। थर्ड जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट का मतलब क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, जबकि इसमें एक तीसरा कंपोनेंट भी होता है वो आपका प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, तो ये ऑनली नहीं गलत है, इसीलिए आंसर इसका क्या बनेगा, डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग, एक तरफ आप जैसे देख रहे हो पब्लिकेशंस हैं और पब्लिशर्स, ये कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो आप लोग देखते हो हर साल जो है एनुअली, जो ये रिपोर्ट्स हैं वो क्या होती हैं, पब्लिश होती हैं। तो जैसे पहले ही आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। सेकेंड आपकी है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसको, इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ते हैं हम लोग। होलसेल प्राइस इंडेक्स और नेशनल अकाउंट्स स्टैटिक्स, सामने रखा है कि इसको कौन पब्लिश करता है। टेक योर 30 सेकेंड्स एंड देन उसके बाद डिसाइड कीजिए कि इसमें से क्या आंसर हो सकता है। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका ए, यानी कि रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस जो है वो आरबीआई पब्लिश करता है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिश करती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री पब्लिश करती है, और नेशनल अकाउंट्स जो है ये आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ईयर मंडल कमीशन रिपोर्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड, किस साल जो है मंडल कमीशन रिपोर्ट जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है, थी सॉरी, वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका 1990। देन अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फंडामेंटल राइट लिखा हुआ है, डीपीएसपी लिखा हुआ है और फंडामेंटल ड्यूटीज लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर फुलफिल्ड बाय नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर है बच्चों, आप लोग इसे गलत नहीं होना चाहिए। इसका जो बच्चों आंसर है वो है आपका सी,
यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो अंडर दी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम उसमें कवर अप हो रहा है और आपका डीपीएसपी जो है उसमें कवर अप हो रहा है। फिर देखेंगे हु इज द ऑथर ऑफ बुक अ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, आई के गुजराल है या डी जी देशमुख है या लाल कृष्ण अडवाणी है या ए जी टोनी बी है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका आई के गुजराल। तो अगर आपको ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप जनरल नॉलेज कोर्स CDS का करना चाहते हैं, लाइव कोर्स या रिकॉर्डेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए।